वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आपने ब्लॉग को कर लियो मैं स्टार्ट 10:30 बजे से, और अभी आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो सामने नर्सिंग कॉलेज है और वहाँ पे आज सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं सारा काम वाम करके फ्री हो गई हूँ, और आज सागर की भी है छुट्टी, तो सागर मेरे साथ घर पे है। दीदियों जी अजी चले गए ड्यूटी, तो अभी दिखाती हूँ मैं बाहर का जो व्यू है। इस बाहर से इतनी आवाज़ आ रही, इतना शोर आ रहा है कि मतलब घर के अंदर बहुत सुनाई दे रहा है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर से कितनी आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है। सामने है कॉलेज और वहाँ पे हो रहा है डांस, सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। बच्चे सारे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं हूँ अभी बालकनी में, तो बालकनी से दिखा रही हूँ मैं आपको। तो अभी जा रही हूँ मैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और इस शोर में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, और शायद मेरी वॉइस भी आपको बहुत कम सुनाई दे रही है। तो मैं जा रही हूँ अंदर अंदर, और बाहर इतना ज़्यादा शोर है। साकू है यहाँ पर बैठा हुआ, सागर खेल रहा है गेम। साकू कितनी आवाज़ आ रही है बाहर से, बहुत। सागर ने लगा रखा है एयरफोन, तो उसको तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, वो बस अभी गेम में लगा हुआ है, गेम जीतने में लगा हुआ है। मैंने कवर कल दिखा दिया था, हो गया है दिन के खाने का टाइम, और आज मैं सिंपल सी बिरयानी बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अंडे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सागर भी बोल रहा है कि वो ये बनाने के लिए, तो जल्दी बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और अभी मैं करती हूँ स्टार्ट, पहले मैं अंडे बॉईल कर लूँगी। और ये तो गाँव के अंडे हैं जो कि मैं बनाऊँगी, तो दो ही लोग हैं तो दो लोगों के लिए चार अंडे। तो जब तक अंडे बॉईल होते हैं तब तक मैं प्याज वगैरह काट के कर लेती हूँ तैयारी, के बाद तुरंत जब अंडे बॉईल हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं हल्की फुल्की नॉर्मल सी बिरयानी टाइप। तो आज काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं, क्योंकि घर चली गई थी तो वहाँ पे नहीं हो पाता इतना, क्योंकि कम ही खाते उधर, तो इसलिए मैं यहाँ पर बना के रख देती हूँ। तो प्याज को हम लंबा करके कट कर लेंगे, और मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा प्याज लगता है, मतलब आंसू निकल आते हैं, तो फिर भी बनाना तो है ही। यहाँ पे मैंने मसाले निकाल के रख दिए हैं, प्याज कट कर लिया, एक लहसुन छील लिया है, और यहाँ पे गरम मसाले रख लिए हैं, दो काली इलायची, दो हरी इलायची, और यह है दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, और तेज़पत्ता तो थोड़ा थोड़ा ही रखा है मैंने, क्योंकि दो जनों का ही बनाना है खाना, तो अभी रखा है। और अंडे जब तक बॉईल होते हैं तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो पहले ये फ्रूट खा लेती हूँ, क्योंकि फिर दीदी डांटती है नहीं खाते हैं, तो मैं और सागर खा लेते हैं फ्रूट। ली मैंने कट कर लिया है एप्पल और बनाना, तो ये खा लेते हैं पहले, उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। तब तक अंडे मेरे बॉईल हो जाएंगे, स्टार्ट, खा जल्दी, फ्रूट कट करके लाई हूँ, खाओ। अभी हो रही है मेरी जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी, और मैंने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था, अंडे भी मैंने छील लिए हैं, अभी चावल भी धोने के लिए रख दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ मैं अब दिन का खाना, क्योंकि टाइम भी होते जा रहा है। मसाला हो चुका है, अब डालूंगी कटा हुआ प्याज और लहसुन। मसाला थोड़ा बहुत हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अंडे, थोड़ा फ्राई भी हो जाएंगे,
चार हरी मिर्च, एक कटा हुआ टमाटर, फ्राई हो गया। मैं इसमें डाल देती हूँ चावल, डाल दिया मैंने, अब थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा नमक, फाइनली मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है खाना और थोड़ी देर में लगभग 2 सीटी में बन जाएगा ये। तो ये बन चुकी है बिरयानी मेरी मस्त एकदम, और अब हम खा लेते हैं गरम गरम। तो एकदम खिली खिली बन गई है बिरयानी। हम लोगों का हो रहा है दिन का खाना स्टार्ट, और अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है और भूख भी लग चुकी है। तो मैं और सागर हैं घर पे, तो मैंने सिंपल सी खिचड़ी टाइप्स बिरयानी टाइप्स बनाई है, वही हम खाने जा रहे हैं। तो खा लेते हैं पहले क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है। तो गाइस आज मैंने एक सिंपल सी पेंटिंग बनाई है और ये मैंने अभी बनाई है, तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बनाए। तो गाइस दीदी आ गई है ड्यूटी से और ये लाई है पोस्टली। चीकू नहीं लाए? ओ इसके चीकू भूल गई। हाँ चीकू भूल गई, कल भी बोला था मैंने लाई हूँ, तो क्यों बोल रही है? बस तीन ही खा ले पहले। ये मैं ही खाऊंगी, बिल्ली आऊंगी, एक साकू खाएगा। तू फ्रूट खाता ही नहीं वैसे भी। मैंने इसको अनार छील के दिया, इसने वो भी नहीं खाया, नखरे कर रहा था। और सेब छील के दिया, वो भी नहीं खाया, पूछ इससे। अच्छा केले तो क्या कहते हैं इन्होंने, दो केले। हां केले खाता है बस, एक केला काटा था वही उसके टुकड़े उठा के खा लिए, बाकी कुछ नहीं। अब बोल अंडी लेके मारती है, ये मेरे को मार देगा। हां बता दो, हां मेरे को मारता है ये। हां पागल है तू ऐसे। ये क्या है इसमें पैकेट में? इसमें हां रुई है, सॉरी कपड़ा है। कैसा कपड़ा? ये मोमोज है, मेरे को भी चाहिए मोमोज। मम्मी को बता एक चीज। क्या बताओ? आप मैं क्या बताऊं? तू बता क्या ये वाला वीडियो में भी बाद में बताएगी वीडियो तो एक। अच्छा ठीक है, देख रहा है अपना पेपर। और कल कल भी छुट्टी है ना, आप सीधे कब जाना है तुझे? मैं पेपर पूरी नहीं, मेरा ये नहीं, वैसे कब जानना है? नौ को मैं पेपर समझी, पेपर नहीं है। चल मैं पहले चीकू खा लेती हूँ। मैं कल भी जब मार्केट गई थी वहाँ भी मेरा मन कर रहा था देख के, तो खा ही लेती हूँ पहले। अभी दीदी और सागर चले गए हैं नीचे और जीएस देख रहे हैं टीवी, तो मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा जो काम रह गया मेरा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना काम। तो काम तो कुछ नहीं, वैसे थोड़ा नोट्स वगैरह कर रही है, वही कर रही हूँ। और आया खाना, आज बनी है दाल, केले की सब्जी, रोटी, और हम खा रहे हैं खाना। क्या रात बहुत हो गई थी और मैं अपना व्लॉग कल एंड नहीं कर पाई, तो अभी कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखे, अपना प्यार बनाए रखे, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल मैं एक नई व्लॉग के साथ आपसे।